तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। मतलब एक मैं थोड़ा सा रोड मैप बताऊंगा, एक बेसिक, और इस पर आगे भी सीरीज आएंगी डेवऑप्स पे। इसके एक दो तीन पार्ट में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, तो इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा डेवऑप्स के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है कि डेवऑप्स में आपकी दो प्रोफाइल बनती हैं, एक तो डेवऑप्स जो डेवलपमेंट होता है, एक डेवऑप्स जो ऑपरेशनल होता है। मतलब कि एक डेवलपर फील्ड होता है, एक ऑपरेशन फील्ड होता है, जो कि एक डेवलपिंग का पार्ट होता है, दूसरा एक सर्वर का पार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेवलपमेंट में, तो आपको कोडिंग आनी जरूरी है। ऐसा लोग कहते हैं ना कि डेवऑप्स में कोडिंग नहीं, लेकिन आपका जो कोडिंग है ना, बेसिक नॉलेज कोडिंग पे होना जरूरी है मेरे दोस्त। और ऐसा भी नहीं है कि डेवऑप्स बोलते हैं उनका सैलरी हाई बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा पैकेज होता है, तो वो इजी है, तो ये भी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे होता क्या कि जब डेवऑप्स में आपको अगर लगता है कि आप, जैसे दो ब्रांच होते हैं, कंप्यूटर साइंस एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपने बीटेक किया होगा तो आपको पता होगा। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे होते हैं वो एक डेवलपिंग में जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो बंदे होते हैं वो नेटवर्किंग में जाते हैं, या लिनक्स सर्वर पे काम करते हैं, विंडोज सर्वर पे काम करते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन दोनों की प्रोफाइल में। तो अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है तो डेवऑप्स डेवलपमेंट पे जाओ। अगर आपका स्ट्रॉन्ग अंदर से, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो नेटवर्किंग में, लिनक्स में या सर्वर में, अगर आप इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप ऑपरेशन की तरफ चले जाओ। बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, वहाँ पर दो प्रोफाइल्स होती हैं। और इसके बाद में आपको क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए, इसमें लिनक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का भी नॉलेज होना चाहिए, सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये डेवऑप्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको लगभग जो चीज़ें हैं ना टेक्नोलॉजी में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 80% आपको नॉलेज होना चाहिए आईटी की फील्ड का। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस दोनों ब्रांच का 80% आपको नॉलेज होना चाहिए एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए फर्स्ट लेवल पे। लेकिन इसके बाद जब आप अंदर जाते हो ना, उसमें कई सारे प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। मतलब कि चलो ठीक है, मैं डेवलपमेंट में हूँ, मैं ऑपरेशन में हूँ, तो उसमें कई सारी आपको प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। लेकिन जो बेसिकली दो पार्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया, अगर आपका डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप डेवलपमेंट में चले जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग है, तो आप डेवऑप्स ऑपरेशन में चले जाओ, जो कि चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं एक किसी कंपनी में, और डेवलपमेंट जो कि चीज़ों को बनाते हैं। तो मतलब क्या होता कि पहले कोडर ने कोड किया, टेस्टिंग हुई, फिर वो मतलब ये जो डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस होते हैं वो पास होने के बाद आपके पास आएगा फाइनली वो डिप्लॉय करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे। और ज़्यादातर सर्वर्स आपके आज भी लिनक्स पे काम करते हैं, आज भी वो लिनक्स पे वर्क करते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी इसके और एक दो पार्ट आएंगे जहाँ पर मैं बेसिक डिटेल में बताऊँगा कि एक्चुअली में आप कैसे उस प्रोफाइल पर जा सकते हो और क्या क्या उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि डेवऑप्स की बेसिकली फील्ड क्या होती हैं। अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।